हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं वो एडमिशन प्रोसेस जो है क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोगों का इस बार यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो इसी पर हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया था कि CUET के थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं वो एडमिशन प्रोसीजर आगे का क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हमें जो है अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है किस प्रकार से हम लोग को जो है एडमिशन दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है CUET का रोल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। CUET का रोल अगर आप समझ जाते हो तो आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं CUET के रोल के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि 3 यूनिवर्सिटीज है, XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज है और यहाँ पे है CUET। तो CUET के पास ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जो है हमारी यूनिवर्सिटी के नाम से फॉर्म भरवा लीजिए। ओके, फॉर्म भरवा लीजिए और जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उन बच्चों का आप जो है एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम लेने के बाद जितने बच्चों ने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उन बच्चों का एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, उसमें उन बच्चों का नाम रहेगा और उन्होंने जितना भी मार्क्स ऑब्टेन किया है उसमें रहेगा, उस लिस्ट को हमें जो है दे दीजिए। तो यही काम है केवल CUET का, मतलब कि उसका काम है फॉर्म भरवाना, एग्जाम लेना और उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करना, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और उनका क्या मार्क्स है वो एक लिस्ट बनाकर उस यूनिवर्सिटी को भेज देना। बस इतना ही काम है CUET का। अब आगे का जो भी काम रहने वाला है, जो भी मेरिट लिस्ट का काम है, वो आगे कौन करेगा? पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करेगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया है। अब जो है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास एक लिस्ट आ चुका है जिसमें उन बच्चों का नाम है जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, साथ ही उनका क्या मार्क्स है उस लिस्ट में है। तो अब जो है यूनिवर्सिटी का अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा मेरिट लिस्ट तैयार करना और मेरिट लिस्ट को रिलीज करना। इसके बाद उस मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है वो जो है अपना एडमिशन ले लेंगे और जो भी बचेगा सीट उस पे सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से जो एडमिशन प्रोसेस है इस बार का रहने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग जो है कॉमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर से। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखना है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।